स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे सोनी APS-C कैमरा के बारे में और खास करके A6500 के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हर बार कहता हूँ कि कैमरा खरीदने से पहले, खास करके इंटरचेंजेबल लेंस खरीदने से पहले, आपको देखना पड़ेगा कि इकोसिस्टम कैसा है। मतलब उसके कितने एक्सेसरीज मिलते हैं, कितने फ्लैश मिलते हैं, कितने लेंसेस मिलते हैं, कितने माइक्स मिलते हैं, कितने बैटरी मिलते हैं, आपको वो हर चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि एक सिस्टम आप खरीद रहे हैं। ये वैसा कोई पॉइंट एंड शूट कैमरा नहीं है, लिए खींचे यूज़ किए नया खरीदने टाइम किसी भी कंपनी में खरीद लिया। आपके पास इतना पैसा खर्च हो चुका होगा कि आपको एक ही सिस्टम में रहना फ़ायदेमंद होगा। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो बात अलग है, लेकिन जनरली जैसे मान लीजिए आप लेंस खरीद, जैसे मैंने ये कैमरा खरीदा है, इस कैमरे से ज़्यादा का पैसा मैंने सिर्फ दो लेंस खरीदे हैं अभी तक, एक 72-300, एक 17-55 mm का लेंस लिया है। तो दो ही लेंस लिया, लेकिन दोनों का दाम अगर आप मिलाएंगे तो मेरा कैमरा बॉडी से ज़्यादा दाम हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि ये लेंस मैं बर्बाद, मतलब फेंक ना दूँ। कल को मान लीजिए इससे बेटर कैमरा आ जाता है, जो कि आएगा ही और आता ही है, अभी महंगा है लेकिन कुछ दिन में कम दाम में इससे बेटर मिलने लगेगा, तो उस दरमियान मैं चाहूँगा कि वो लेंस मेरे इस्तेमाल हो जाए। क्योंकि बहुत महंगे महंगे लेंस है भाई, 30-35 हज़ार का तो सबसे सस्ता लेंस आता है, तो मैं लेंस को बचाना चाहूँगा। इसीलिए आप समझिए, किसी भी चीज़ में कूदने से पहले बस आप फीचर देख के मत कूद जाइए। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बात किया था फूजी XT के बारे में, तो मैं आपसे काफ़ी अनुरोध करूँगा कि आप खरीदने से पहले प्लीज़ लेंस देख लीजिए। ये गलती मेरे खुद के बड़े भाई ने किया था कि नाइकॉन का ही, आप बोलोगे नाइकॉन तो बहुत बड़ी कंपनी है, नाइकॉन का 1 इंच सेंसर वाले मिररलेस में कूद गया जिसमें लेंस ही नहीं था, और लेंस लगाने का एक ही ऑप्शन था कि एक महंगा सा अडाप्टर लीजिए जो नाइकॉन का है, मतलब नाइकॉन के सारे लेंस में काम करेगा, लेकिन मतलब अडाप्टर खरीदे नहीं थे और लेंस मिल नहीं रहा था, तो एक ही लेंस पे अटके रह गया, तो इंटरचेंजेबल लेंस लेने का फ़ायदा क्या हुआ। और वो सेंसर इतना छोटा है कि सोनी RX100, मतलब महंगा पड़ता है RX100, लेकिन आराम से उससे बेटर लेंस तो इनबिल्ट उसमें आ जाता है RX100 में, आप खुश रहते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले, खास करके इंटरचेंजेबल वाले में, अब देखिए कि इकोसिस्टम क्या है। तो सोनी अभी मिररलेस दुनिया में छा गया है। तब बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जितने भी आपके मोबाइल हैं ना, चाहे कोई भी एंड्रॉयड हो या नाइकॉन हो या कुछ भी हो, जनरली उसमें सेंसर सोनी का ही लगा रहता है। तो सोनी अभी पूरी दुनिया में इमेजिंग सेंसर के मामले में काफ़ी ऊपर है। हाँ, कलर टेक्नोलॉजी उसकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सेंसर बहुत अच्छा है और कलर टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे आगे आ रहा है। तो और उसके बहुत सारे माउंट आते हैं, खासकर कि ई माउंट बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन मान लीजिए आप ई माउंट पे कुछ देख रहे हैं, सोनी ई माउंट पे आपने जाके देखा, आपको कुछ लेंस अच्छा लगा, लेकिन बोले यार कुछ अलग चाहिए हमको, मतलब आपका रिक्वायरमेंट नहीं मीट हो रहा है, आप ए सीरीज़ में भी देख लीजिए। ए सीरीज़ है यानी सोनी अल्फा सीरीज़ कैमरा, वो सोनी का DSLR जैसा था, और मान लीजिए आपको उसमें लेंस पे पसंद आ जाता है तो आप वो लेंस और अडाप्टर लगा के इस माउंट में आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों सोनी ही बनाते हैं तो इंटर कंपैटिबल है। तो इस कारण से आप ए माउंट के लेंसेज को भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई लेंस जस्ट भाग गया कि यार यही लेंस चाहिए, मतलब यही फोकल लेंथ हमको चाहिए, यही अपर्चर चाहिए, ऐसा अगर आपको हो गया, क्योंकि ई माउंट अभी भी उसके बहुत सारे लेंस बनने बाकी हैं, तो ए माउंट में भी आप देख सकते हैं। और APS-C और फुल फ्रेम तो है ही इसका। और इसके बारे में आप ये समझिए कि बहुत बड़ा, मतलब इसका लेंस का, थर्ड पार्टी का और एक्सेसरीज का बहुत बड़ा दुनिया है। मतलब लेंस तो यहाँ तो मैं कुछ दिखा रहा हूँ, कई 100 लेंसेस हैं, मतलब नाइकॉन और कैनन जितना नहीं है, लेकिन पहुँच रहा है। इसकी गाड़ी खुल चुकी है स्टेशन से और पहुँच रहा है। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा में, आप देखते होंगे हॉट शू जिसको कहा जाता है, ऐसा वाला हॉट शू में आप फ्लैश लगाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए आपको फ्लैश नहीं लगाना, तो आप क्या उस पर और कुछ कर सकते हैं? जनरली लोग बस उसको स्टैंड की तरह इस्तेमाल करते हैं कि ठीक है उसमें मॉनिटर लगा दिए या कुछ लगा दिए। सोनी इतना आगे है, क्योंकि सोनी हैंडी कैम भी बनाता है, सोनी प्रॉपरली ये भी बनाता है, क्या बोलते हैं, वीडियो कैमरा जो कि न्यूज़ में इस्तेमाल किया जाता है, मूवी कैमरा बनाता है। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के चलते उसने इसमें भी एक नया सिस्टम डाला जिसको कहते हैं एक्टिव हॉट शू माउंट। तो आप इसमें नॉर्मल फ्लैश लगा सकते हैं, आप कोई 1970 का फ्लैश है लगा दीजिए, काम करेगा। लेकिन अगर आप सोनी का कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मन आ गया कि अरे यार मैंने सोनी का एक पुराना सा लिया हुआ है, इस 5000 ले लिया है, सब चीज़ तो बढ़िया, लेकिन अगर माइक लगाने का मिल जाता तो दिल खुश हो जाता, ठीक है, आप ये खरीद लीजिए। ये ब्लूटूथ रिसीवर और ट्रांसमीटर दिया हुआ है, ट्रांसमीटर आप अपने पास लगाइए, ब्लूटूथ रिसीवर इसमें लगाइए, और आपको बैटरी का नहीं सोचना है, यहाँ लगाइए, पावर सीक्वेंस सब चीज़ ये खुद ब खुद संभालेगा, आपको कोई तिकड़म नहीं कि वो तार एक्स्ट्रा लगा, बस एक चीज़ लगे, काम खत्म। फिर आप बोले नहीं यार सब चीज़ तो बढ़िया है, लेकिन एक शॉटगन माइक मिल जाए, फिर आप तो देखते हैं जो लोग व्लॉगिंग करते हैं शॉटगन माइक लगाते हैं, तो बड़का से वो तार ऐसे साइड से गया, कोई सोनी अपना ही बनाता है, आप आराम से बस इसमें लगाइए, आपको कुछ और नहीं करना, बस ऐसे
लगाइए, ना उसका बैटरी देखना है, ना उसका चार्ज देखना है, ना आपको कनेक्शन देखना है, ये उसमें ऐसा सिस्टम आता है। तो ये बहुत सारे एक्सेसरीज आते हैं, मतलब 25 ये जैसे एक माइक है जो आप मान लीजिए काफ़ी वाइड एंगल पर शूट कर रहे हो, 2-3 लोग हैं, आप इसका इस्तेमाल करके अच्छे से पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। तो इतने सारे एक्सेसरीज और किसी में आते नहीं, तो इतने तो नाइकॉन और कैनन में भी नहीं आते, इसीलिए नाइकॉन और कैनन में आपको ये नहीं मिलता है। तो इस कारण से आप ये समझिए कि इकोसिस्टम के मामले में कि कितना चीज़ उसके सिस्टम्स में लग सकता है, वो बहुत आगे, खास करके जैसे वीडियो, क्योंकि सोनी का वीडियो कैमरा का मार्केट बहुत बड़ा है, मतलब समझ सकते हैं न्यूज़ चैनल में इस्तेमाल किया जाता है और पिक्चर्स में इस्तेमाल किया जाता है। स्टार वॉर्स का जो प्रीक्वल ट्रिलॉजी है वो सोनी कैमरा में शूट किया गया था। सोनी बहुत अच्छा अच्छा वीडियो कैमरा लेंस भी बनाता है, जैसे ये लेंस है, और खास बात यह इसमें पावर जूम है, जैसे हैंडीकैम में आप लेंस को जूम इन करते हैं आगे पीछे, घुमा के तो नहीं करते, मतलब एक स्विच को आगे तो वो इसमें है और आपका ये अपना आराम से मिररलेस के साथ लगेगा। एक पार्टी ने तो ऐसा मतलब कहिए एक्सेसरीज बनाया जिसको देखे तो मैं हैरान हो गया कि ये है, इसमें कर कुछ नहीं रहा है। आपको पता है कि अगर मैक्रो आप शूट करना चाहते हैं और आप नया लेंस नहीं खरीदना चाहते, आप बस लेंस को ऐसे लीजिए, उल्टा लगा दीजिए अपने कैमरा, लगेगा नहीं, मतलब उल्टा वहाँ पर रख के खींचिए, तो आपको बहुत भयानक मैक्रो मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये होता है कि पुराने लेंसेज में जहाँ पे मैकेनिकल एपर्चर रहता था उसको आप घुमा के सेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले लेकिन आप कुछ कर नहीं पाइएगा। तो इसका इलाज निकालने के लिए एक कंपनी ने, सोनी इतनी बिकती है कि उसके लिए थर्ड पार्टी एक्सेसरीज बनाना प्रॉफिटेबल होता है, तो उसने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेंस को लगाइए इसमें, इसको लेंस का फ्रंट को लगाइए अपना उसमें, और उसको आप लगा दीजिए कैमरा में, इलेक्ट्रॉनिकली वो सारा कपलिंग कर दिया, आपको टेंशन नहीं लेना है। इतना एडवांस चीज़ मिल जाता है सोनी पे। तो आप ये मत सोचिए कि सोनी खरीदिएगा कि अरे फंस जाएंगे, सोनी में जो चीज़ है नाइकॉन और कैनन में सिर्फ यही फ़ायदा कि लेंसेज ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप तिगड़म मूडम देखना चाहते हैं खासकर कि ऑडियो के मामले में या पावर जूम के मामले में, तो सोचना ही नहीं है, सोनी अकेले ही लाइक बेटा हमारे पास मत आओ, मतलब हम बहुत ऊपर हैं। तो सोनी का ये देख लिया। तो इस कैमरे के बारे में पढ़ते हैं, जैसे X3 का वीडियो जो था उसमें मैंने कहा था कि वो सबसे एडवांस APS-C है, सोनी बना सकता है लेकिन बनाएगा नहीं क्योंकि ये खुद फुल फ्रेम बनाता है, तो फुल फ्रेम और APS-C में अगर ये सब चीज़ डालने लगा तो बहुत महंगा हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं ये X3 लगभग 1 लाख रुपए का है और ये भी करीब 80,000 का आता है, तो और रहा बात कि 1,30,000 या 1,50,000 में इनका फुल फ्रेम शुरू हो जाता है, तो समझ जाए वो गैप इतना छोटा होने के चलते प्रॉब्लम ये होता कि अगर APS-C में ये सब चीज़ डाल देते और APS-C का दाम बढ़ जाता तो लोग बोलेंगे यार मैं क्यों खरीदूँ उसको, फुल फ्रेम ही ना ले लूँ, और अगर दाम कम रखते हैं तो लोग बोलेंगे अरे यार मतलब सारा इतना फीचर मिल ही जा रहा है तो क्यों ना मैं APS-C खरीद लूँ। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि फूजी फिल्म बहुत स्मार्टली खेला है कि APS-C में कोई सीरियसली मेहनत नहीं करता, तो APS-C में घुस गया, माइक्रो फोर थर्ड में वो लड़ाई झगड़ा किया नहीं, आराम से वो रखा रहा। तो सब मिलाने के बाद A6000 आप ऐसा समझिए कि ऐसा जगह में फंस गया है कि सोनी चाहती है अच्छा चीज़ देना लेकिन देना नहीं चाहती है। तो इस कैमरे को उतारा गया था दिसंबर 2016 में, तो आप ऐसा समझिए कि ये थोड़ा पुराना हो गया, 2 साल हो चुका है, 17 और 18 तो अब ख़त्म ही हो गया, और इसका अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए था कि नया क्या आने वाला है, अभी इन्होंने डिले कर दिया क्योंकि फोटो की नामी लोग खुले आम बोल रहे थे कि हम लोग अपना कैमरा को थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं। तो सोनी A7 Mark III जिसके चलते इतना तिगड़म हो गया वो भी अपग्रेड किया जाएगा, उसका भी Mark IV आएगा या जो भी नया नाम दें वो आएगा या इसका भी एक अपडेट आएगा, तो इस कारण से अभी खरीदना तो खतरनाक बात है। और ये है E-mount APS-C, ठीक है, आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है, और इसमें फ्लिप स्क्रीन है लेकिन फ्लिप आउट नहीं है, मतलब जैसे मैं अभी फ्लिप आउट कर चुका हूँ वो नहीं है इसमें, ये बात पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होगा, सामने निकल के नहीं आ जाएगा। और इसमें गजब दाम बचाने का इन लोगों ने मेहनत किया है कि बैटरी का दरवाजा में ही वो है क्या बोलते हैं मेमोरी कार्ड लगता है, साइड से ऐसा नहीं खुलता है। अब इस कैमरे का कुछ भी फीचर कोई हमको दे चाहे नहीं दे, मतलब इसमें आईबस भी है, मतलब सेंसर खुद ही हिल डोल के मतलब इमेज करेक्शन करता है। तो मान लीजिए आप कोई पुराना लेंस लगा देते हैं, ओल्ड प्राइम लेंस लगा देते हैं और उसमें आपका मान लीजिए एपर्चर बहुत ब्राइट नहीं है, और या मान लीजिए आप किसी चैनल से थोड़ा सा स्लो शटर स्पीड पर शूट करना चाहते हैं कर नहीं पाइएगा क्योंकि ब्लर ही आने लगा, लेकिन आईबस होने के चलते यानी इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन जैसे इसमें लिखा रहता है स्टेडी शॉट इन साइड, उसके होने के चलते आपका सारा लेंस जो भी लगाइएगा वो इमेज स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस कारण से ये बहुत सक्सेसफुल कैमरा है, और इसका 4K इतना अच्छा है कि आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि ये 6K को छोटा करता है, मतलब ये सेंसर से पूरा डेटा लेता है उसको छोटा करता है उसके बाद बाहर देता है, ये अभी के नाइकॉन और कैनन के फुल फ्रेम से बेटर 4K देता है, सोनी का 4K से नहीं भिड़ा जा सकता क्योंकि वो सीधे सीख गया कि भैया शांति से फुल फ्रेम लो उसको छोटा करो उसको
डेटा दे दो, और डेटा ये जो दे भी रहे, जैसे आप GoPro से अगर आप वीडियो लेना चाहते हैं तो GoPro का वीडियो बैंडविड्थ बहुत टाइट होता है, मतलब बेयरली 20 से 30 Mbps पे चलता है, ये 100 Mbps पे चलता है। यानी अगर आप इसका फुटेज को Adobe प्रीमियम में ले जाके कलर करेक्ट करेंगे तो ज़्यादा कर पाएंगे, और अगर आप GoPro का फोटो या आपके मोबाइल में जो 4K है उसका बैंडविड्थ बहुत कम होता है। तो यानी वो समझिए, पहले तो एक तो बहुत अच्छा फुटेज ले रहा है 6K, ठीक है, उसको छोटा कर दे रहा है, छोटा करने से ये हो रहा है कि नॉइस कम हो जा रहा है, कलर थोड़ा सा बेटर आ जा रहा है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद जब उसको राइट किया जा रहा है मेमोरी कार्ड में, रॉ तो नहीं कर सकते, वो सिनेमा कैमरा का होता है, लेकिन जो ये कर रहे हैं उसमें भी ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, आपको 100 Mbps दे रहे हैं, यानी काफ़ी सॉलिड आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है। कैनन के कुछ कुछ फुटेज में है जिसमें 400 Mbps तक चला जाता है। अब प्रॉब्लम यह कि 400 जरूरत से ज़्यादा ही है, तो मतलब आपका 15-16 मिनट में आपका 64 GB का SD कार्ड ख़त्म हो जाएगा। तो इतना सब देखने के बाद आप तो बोलोगे यार ये कैमरा तो बहुत अच्छा है। इसमें सबसे अच्छी बात जो आप और मुझे इस्तेमाल करने में आएगी, इसके साथ ये तिगड़म नहीं है, मतलब ये बैटरी क्रेडल जिसे कहते हैं, ये खरीदने का ज़रूरत नहीं है, और इसके बक्से में भी नहीं आता है। तो उसका रीज़न ये है कि इसमें बैटरी आप लगाएंगे, जो USB चार्जिंग पोर्ट है आप लगा दीजिए, वो अपना आराम से बैटरी चार्ज करता रहेगा। आप टाइम लैप्स कर लीजिए, मान लीजिए आप पूरे रात का टाइम लैप्स करना चाहते हैं, बैटरी उतना देर तो चलेगा नहीं, तो आराम से लगाएं, चार्ज हो रहा है बैटरी, कोई टेंशन नहीं। ये एक फीचर मैं चाहता हूँ कि मेरे कैनन में रहता, मतलब मुझे और कोई फीचर नहीं चाहिए। कोई बोले आई बस चाहिए, हम बोले नहीं, तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस ये दे दो, हमको ये बार बार लेके दौड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ये तभी काम आएगा जब आपके पास दो बैटरी है, और दो बैटरी में भी आपके पास कोई खास काम नहीं। जैसे मान लीजिए आप इसमें बैटरी क्रेडल नहीं दे रहा, आप बोल रहे हो यार कल को मैं दूसरा बैटरी खरीदूंगा तो चार्ज कैसे करूंगा, ठीक है, आप बैटरी खरीदिए और बैटरी क्रेडल खरीदिए, पैकेज डील में आपको सस्ता मिलेगा, और बैटरी क्रेडल जनरली सिर्फ एक बैटरी चार्ज कर सकता है। तो आप समझिए आपके पास अब दो बैटरी है और एक क्रेडल है, इसमें लगा के चार्ज कीजिए और दूसरा बैटरी को क्रेडल में लगा के चार्ज कीजिए। तो आप समझ सकते हैं आपके पास दो बैटरी है तो दो चार्जिंग लोकेशन भी हो गया। कैमरा मैन्युफैक्चर भाई प्लीज़ दे दो, नाइकॉन और कैनन देते भी हैं, जो आप यहाँ वीडियो देख सकते हैं, दोनों को जबरदस्ती का ब्लॉक कर दिए हैं कि मतलब जब तक दीवार से अडाप्टर लगा के नहीं करेंगे, इनका खुद का अडाप्टर लगा के नहीं करेंगे, नहीं करने देगा, वो चार्ज ही नहीं करने देगा। तो ये बहुत आसान इस्तेमाल है, मतलब वीडियो क्वालिटी के मामले में तो बात ही नहीं करनी है, और बफर भी इसका बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, मतलब ऑटो फोकस का, तो सब चीज़ तो बहुत बढ़िया है। सिर्फ एक ही चीज़ शिकायत लोग करते हैं, जो कि सही बात है, कि इसका बैटरी बहुत छोटा है, मतलब आप इसको मेरे कैमरा से कंपेयर कीजिएगा तो नहीं टिक पाएगा, मतलब मैं इस कैमरा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर पाऊँगा कंपेयर टू इसके। तो क्या आपको ख़रीदना चाहिए सोनी APS-C और नहीं, तो आपको तो सबसे पहले कहूँगा A6500 मत ही अब एकदम सोचिए मत, क्योंकि हो गया उसका टाइम रिटायर होने का, तो आप रुक जाइए, ब्रेक लगाइए, और जब नया वाला आएगा तो उसमें देख लिया जाएगा, क्योंकि नया वाला में अब उसको अब लोग सोनी लगता है सीरियसली ले रहा है, कि इतने लोग कंपटीशन में कूद रहे हैं, तो सोनी तो एक झटका से जैसे कूदा, सबका मार्केट शेयर थोड़ा लेने लगा, लेकिन इतना स्पीड से मार्केट शेयर लूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए नाइकॉन और कैनन अपने नेक्स्ट कैमरा में जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन उतारेगा उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट कर दिया, काफ़ी नाइकॉन को एक ही दो इंप्रूवमेंट देना है और कैनन को भी थोड़ा सा ही इंप्रूव करना है, वो धो देगा, मतलब सोनी जो मतलब अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा था वो वापस खो देगा। तो इस कारण से और फूजी जो है APS-C में इतना बढ़िया कैमरा उतारा, जो आप मेरा पिछले का वीडियो में देखे ही हैं, कि वो सबसे बेटर एट दिस पॉइंट, मतलब अगर आप बॉडी देखना चाहते हैं, लेंस नहीं, सिर्फ बॉडी देखना चाहते हैं, और लेंस तो ये सबसे तो बेटर ही है, तो अगर आप सिर्फ बॉडी देखना चाहते हैं तो सवाल ही नहीं, मतलब कोई आगे पीछे भी नहीं आता, ये बस 4K का वीडियो फुटेज बहुत अच्छा देता है, लेकिन इसका एक सबसे दर्दनाक प्रॉब्लम ये है कि ये ओवरहीट होता है। तो आप बोले अरे ठीक है हम 2-3 घंटा नहीं इस्तेमाल करेंगे ओवरहीट नहीं होगा, नहीं, यही तो एक समस्या है, यही एक समस्या है कि सोनी एक कंज्यूमर कंपनी की तरह सोचता है, प्रोफेशनल की तरह नहीं सोचता, तो ये जो औजार बनाता है उतना अच्छा नहीं बनाता जितना मतलब नाइकॉन और कैनन कैमरा पे अब आँख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं वो काम करेगा। मेरे इस कैमरा में मैं 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और अभी तक सिर्फ एक बार एक झमेला हुआ, वो भी कार्ड के चलते हुआ, कार्ड मुझे नया लगा के दोबारा रिकॉर्डिंग करके देख लिया कि हाँ भाई ठीक से काम हो रहा है, तो कार्ड खराब होगा तो बात अलग है, और उसी के बाद से मैं बदल गया भैया मेरे को डुअल कार्ड चाहिए, अब मैं रिस्क नहीं लेना भाई, डुअल कार्ड स्लॉट दो तो हमको शांति से। तो ओवरहीटिंग में प्रॉब्लम ये कि लोग 5-5 कैमरा लेके एक ही जगह पे एक ही लेंस लगा के एक ही टेस्टिंग कर रहे हैं, पांचों कैमरा अलग अलग टाइम पे ओवरहीट हो रहा है, मतलब आपका ऐसा हो सकता है कि आप निकाले फोटो आराम से खींचे, आराम से चल रहा है, पूरा दोपहर का राजस्थान की गर्मी में काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, और कहीं आप मनाली में गए एकदम मस्त फोटो खींच रहे, दला ओवरहीट हो गया। तो इसलिए आप भरोसा नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए आप शादी में गए किसी का कि आप फोटो खींच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो बना जैसे मान लीजिए 7 फेरे हो रहे हैं उसका वीडियो बन रहा है, धड़ाक से कैमरा ओवरहीट हो गया, अब आप क्या कीजिएगा, और ओवरहीट वो रिस्टार्ट करने नहीं देगा जब तक कैमरा ठंडा नहीं हो जाता। तो इस कारण से समझिए इसको औजार की तरह आप नहीं देख सकते,
और सोनी ये काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम झेल रहा है क्योंकि सोनी सीरियसली नहीं लेता है कैमरा इंडस्ट्री को. मतलब सेंसर वो बनाता है क्योंकि सेंसर में वो दादाजी है तो सेंसर बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन सेंसर के पास बॉडी भी तो होनी चाहिए ना. वो ये अच्छा नहीं बनाता है. मतलब A7 Mark III में काफ़ी मेहनत करने के बाद ये जाके, मतलब समझिए वो 4th generation कैमरा है सोनी का, तब जाके उसमें ऐसा सेंसर दे रहे हैं कि जो सेंसर और प्रोसेसर दे रहे हैं जो ओवरहीट नहीं होता है. तो इस कारण से ये समझिए कि अभी अगर आप ले लेते हैं 1 सेकंड बहुत अच्छा है, अगर आप उसको इस्तेमाल कर पाए बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार बस वो गलत टाइम पर ओवरहीट होगा आप फेंक दीजिएगा उस कैमरा को, भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा. गलती से मान लीजिए आपका कोई खास शूटिंग हो रहा था, उस दरमियान में कैमरा धोखा दे दिया, तो आप क्या कीजिएगा. तो इस कारण से मैं खरीदने से मना करता हूँ. तो अगर नए वर्जन में ये लोग प्रॉब्लम ठीक कर दिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. फिर वो सब तो छोड़िए, सबसे बड़ा तकलीफ जो होता है, मैं ये लेंस जब पहली बार देखा मैं पागल हो गया था, मैं तो सिर पिट रहा था, मैंने कैनन क्यों खरीदा, मैं सोनी क्यों नहीं खरीद दिया. लेकिन आगे का रिसर्च के बाद ये पता चला सोनी के जो लेंसेज हैं खास करके APS-C वाले, वो इतने ख़राब होते हैं कि आप मान नहीं सकते. जैसे कि हर लेंस का एक प्रोजेक्शन होता है कि मतलब वो कितना एरिया में प्रोजेक्ट कर रहा है, वो जनरली बनाया जाता है कि सेंसर से थोड़ा सा बड़ा रहे, एकदम सेंसर के कोना पे काला ना हो जाए, जो विनियटिंग कहते हैं वो ना हो जाए, इसलिए सेंसर से थोड़ा बड़ा रखते हैं. तो ये ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है. मेरे ये सिग्मा के 17-55 में भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, सब बहुत बढ़िया है. सोनी इकलौता है जो इतना ख़राब लेंस बनाता है कि वो डिस्टॉर्शन जो है वो बंद करने नहीं देगा. आपके कैमरा में एक ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं लेंस ऑटो करेक्ट, वो ऑटो करेक्ट आप बंद कर सकते हैं नाइकॉन और कैनन में, क्योंकि उनके लेंस इतने ख़राब नहीं है, इसमें बंद करने नहीं देता है. और वो बंद करने इसलिए नहीं देता कि अगर आप ये लेंस लेते हैं जो कि ज़ाइस का है, जो कि सोनी का फर्स्ट पार्टी है, जो कि आप किट लेंस की जगह पर खरीद सकते हैं, मतलब आप अगर एक पैकेज खरीदना चाहते हैं जो कि है 18-135, आप बोलेंगे इसको बहुत बढ़िया होना चाहिए, 18 mm होते हैं. अगर आप पूरा मतलब वाइड एंगल पे हैं, आप अगर शूट किए और रॉ को किसी और सॉफ्टवेयर में खोले, मतलब सोनी खुद का सॉफ्टवेयर देता है, अगर उस रॉ को आप किसी दूसरे में, तो देखिए वो कोने में काला है. मतलब ऐसा नहीं कि डार्क है, जनरली डार्क हर लेंस में आता है, लेकिन कोना काला है, मतलब वहाँ प्रोजेक्शन ही नहीं हो रहा है, वहाँ लेंस उतना बड़ा, उसका जो डायमीटर है प्रोजेक्शन वो कम है. जब आप जूम इन कीजिएगा तभी वो उतना एरिया प्रोजेक्ट करेगा. इतना गंदा डिज़ाइन ज़ाइस का स्टैंप लेकर कैसे मार्केट में आ गया, इतना खराब. और वो सोनी सिर्फ एक रीज़न से आपको हर कोई नहीं बोलता कि ये बहुत ख़राब लेंसेस हैं, क्योंकि सोनी बंद करने का ऑप्शन ही नहीं देता. आप कुछ भी कर लीजिए, बंद करने का नहीं देता. और वीडियो में तो वो खुद ही कैमरा हटा दे रहा है, तो इसलिए लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन ये सब लेंस बहुत ख़राब है, खास करके ये. मैं तो मतलब देखा, अरे भाई ज़ाइस का लेंस है, बहुत बढ़िया है, मतलब ज़ाइस, मतलब मजाक नहीं है, प्रोजेक्शन ही नहीं कर पा रहे. और सब लोग बोलते हैं एज का, मतलब एज शार्पनेस बहुत कम है, क्या कि ज़बरदस्ती का बेचारा कंप्यूटर खींच के फोटो वहाँ डाल रहा है, तो अच्छा है ही नहीं. और ये लेंस तो मैं सोच रहा था कि मतलब इस लेंस के चलते मैं थोड़ा सा तकलीफ हो गई थी कि भाई यार मैं ले लूँ, लेकिन बाद में पता चला कि जब प्रोजेक्शन ही नहीं है तो फिर सोचना ही नहीं है. और फिर ये लेंस भी है जो मैं किसी को भी कहूँगा कि अगर आप सोनी कैमरा खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपके पास है, तो ये लेंस आप खरीद सकते हैं, 40,000 में आ जाता है और अच्छा लेंस है. इसमें वो नहीं है कि भैया प्रोजेक्शन ही नहीं हो रहा, और इसका भी लेकिन वही प्रॉब्लम है, इसका डिस्टॉर्शन इतना ख़राब है कि अगर बिना डिस्टॉर्शन के आप देख लिए इमेज तो आप दोबारा इस लेंस को इस्तेमाल नहीं कीजिएगा. मतलब 50 mm ऐसे हो जाता है, पिन कुशन डिस्टॉर्शन बहुत आता है. तो सॉफ्टवेयर ठीक कर दे रहा है इसीलिए लोग सिर नहीं पीट रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हो गया कि इतने महंगे 40-40 हज़ार के लेंस में, तो 30,000 का लेंस में डिस्टॉर्शन नहीं है, और वो भी APS-C का ही लेंस है, ये भी APS-C का ही लेंस है. मैं तो ये देखा था, अरे वाह इससे बढ़िया तो लेंस ही नहीं हो सकता, पावर जूम है, मतलब आप वीडियो में आराम से जूम कीजिए, 5x का रेंज है, एकदम मस्त है, और कांस्टेंट एपर्चर है, मतलब अगर जैसे जूम कीजिएगा एपर्चर छोटा नहीं हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया था. लेकिन जब बाद में इसका वीडियो क्वालिटी देखा, मतलब इसका जो एपर्चर क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि सेंसर ही नहीं कवर कर पा रहा है, मतलब इसका जो प्रोजेक्शन एरिया बहुत ख़राब है. ये लेंस जो कि मतलब 3.5 लाख का है, उसमें भी डिस्टॉर्शन बहुत ख़राब है. खैर उसमें एटलीस्ट चूँकि ये वीडियो कैमरा के लिए बनाया गया था, तो एटलीस्ट ये ध्यान रखिए कि प्रोजेक्शन ना प्रोजेक्शन है पूरा, लेकिन उसमें भी डिस्टॉर्शन बहुत है. तो मतलब अब ये सब लेंस लगाइए जो कि सोनी का खुद का लेंस है, जो कि खुद सिग्मा ब्रांड करता है, इसमें से तो ये जी मास्टर का भी ब्रांडिंग लेके बैठा हुआ है, आप लगाइएगा बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगा. इसलिए नहीं कि आप पावर जूम है इसमें, इसलिए क्योंकि बेचारा प्रोसेसर डबल ड्यूटी कर रहा है कि भैया इसको करेक्शन करो. तो इस कारण से मैं आपको कहूँगा थर्ड पार्टी लेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. ये लेंस बहुत अच्छा है, मतलब ये सब में से अगर कोई कहूँगा कोई लेंस लीजिए तो यही कहूँगा. और इस तरह का आपको कोई लेंस चाहिए तो फूजी फिल्म बना फूजी ट्रॉन जिसे कहते हैं, वो अच्छा लेंस बनाता है, उसी दाम में आपको मिल जाएगा. तो इसीलिए कहूँगा कि सोनी में अभी कूदने से पहले, अगर आपको सोनी APS-C ही लेना है ले लीजिए,
फुल फ्रेम लेंस खरीदिए या थर्ड पार्टी लेंस खरीदिए, ये सब लेंस मत खरीदिए। और अगर खरीदना भी है ये सब में से कोई, तो ये ही सबसे बढ़िया है। तो बॉडी प्लस ये अगर आपको मिल जाता तो बहुत आप खुश रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपको गलती से कभी रॉ किसी दूसरे को देना पड़ गया और आप 18mm में इसमें शूट किए थे तो सिर पीटेगा, इस पर 50mm के बाद पिन कुशन ऐसे हो जाता है तो सोचना ही नहीं। तो इसी ये था मेरा प्रेजेंटेशन A6500 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। और अगर आप फ्री हैं तो आप बेल बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।